आज की हमारी रेसिपी है लड्डू का हलवा। ये अवार्ड विनिंग रेसिपी है डॉक्टर जयंती शर्मा की। तो चलिए बनाते हैं लड्डू का हलवा। तो लड्डू का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए लड्डू, बर्फी, दूध, कटे हुए बादाम के टुकड़े और पिस्ता के कटे हुए बारीक टुकड़े। तो चलिए बनाते हैं लड्डू का हलवा। एक बर्तन में हम दूध ले लेते हैं और इसे उबलने रख देते हैं। तो जब तक दूध उबल रहा है तब तक लड्डू और बर्फी को क्रश कर लेते हैं। ये है मेरे पास सिंपल बर्फी, इसे हमने क्रश कर लिया। ये दिवाली के समय घर में काफ़ी बर्फी आती रहती है, आप उससे ये हलवा बना सकते हो। और इसमें डाल देंगे लड्डू, लड्डू को भी इसी तरह से क्रश कर लीजिए। अब इसे हमें दूध में मिला लेना है। तो ये देखिए दूध को भी उबाल आ गया है। अब इस उबलते हुए दूध में हम ये बर्फी और लड्डू का मिक्सचर डाल देते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़े से बादाम, इसे अभी हम मिला लेते हैं। मिला के इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये अच्छा गाढ़ा हो जाए। इसी तरह से इसे मिलाते रहिए और मिलाते मिलाते ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए जो हलवा है हमारा अच्छा थिक हो चुका है। अब ये फिलहाल बहुत गर्म है, थोड़ा सा जब रूम टेम्परेचर पे आएगा तब ये और थिक होगा और इसे आप तब सर्व कीजिए। तो फिलहाल के लिए हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और इसे बोल में ही रखिएगा। तो इसके ऊपर गार्निश के लिए मेरे पास है पिस्ता के पीसेस, इसके ऊपर इस तरह से आप फैला दीजिए। और ये है हमारा बढ़िया सा लड्डू का हलवा तैयार।